बच्चों आज हम दूसरी कक्षा का हिंदी पुस्तक का पाठ पांच का अभ्यास समझाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का यह उपाय सोचा कि उसने तेंदुए को कहा कि तुम कछुए को पानी में फेंक दो। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने यह मूर्खता की कि उसने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। सबसे बड़ा यह फायदा हुआ उसका कि उसकी जान बच गई। अब आगे है, जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बात कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी आपस में यह बातचीत कर रहे होंगे कि कहीं कोई जंगली जानवर आकर हमें खा न जाए। इससे आगे है कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए हम क्या कहेंगे, जो तेज भागता हो। वह खालिस्तान की तरह भागता है। वह किसकी तरह भागता है? तेज किसकी तरह भागता है? वह चीते की तरह, चीता सबसे तेज भागता है, वह चीते की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो। वह खालिस्तान की तरह तैरता है। तो सबसे अच्छा तैराक कौन सा जानवर है? मछली। वह मछली की तरह तैरता है। इससे आगे है एक से अनेक। एक से अनेक मतलब एक वचन बहुवचन। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। इसी तरह से नीचे भी कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनके बहुवचन बनाने हैं। अब नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखो। जैसे ऊपर दो वाक्यों को बदल कर लिखा गया है, इसी तरह से इन्हें भी बदल कर लिखना है। जैसे एक कपड़ा, तो बदल कर लिखेंगे तो क्या होगा? तीन कपड़े। एक रुपया 15 रुपए। एक खम्बा 4 खम्बे। एक पौधा 8 पौधे। एक पतीला 2 पतीले। एक संतरा 10 संतरे। अब आगे है किसकी चाल, बताओ ऐसे कौन कौन चलता है। फुदक फुदक कर, कौन कौन से जानवर चलते हैं, या जानवर या पक्षी फुदक फुदक कर चलने वाले हैं? कोयल और मैना। चौकड़ी भरकर कौन कौन चलता है? हिरण और गाय का बछड़ा। और छलांग लगाकर चलने वाले जानवर हैं तेंदुआ, कंगारू। और रेंग रेंग कर कौन से जानवर चलते हैं बच्चों? सांप और केंचुआ। अब इससे आगे है मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। देखो नीचे चीजों के नाम दिए गए हैं, कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। तो आपको नीचे भरना है मुलायम हो जाएंगी, मुलायम जो चीज हो जाएंगी वो कौन सी है, और जो मुलायम नहीं होंगी वो कौन सी है। तो मुलायम होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कागज, पानी में डालने से कागज, रोटी, बिस्किट, पापड़ और पत्ता, ये सब चीजें नरम हो जाएंगी पानी में फेंकने से। और जो पानी में फेंकने से नरम नहीं होंगी, मुलायम नहीं होंगी, वो कौन सी चीजें होंगी? लकड़ी, गिलास, प्लेट, मोम और रुई। तो बच्चों आज का ये अभ्यास दोस्त की मदद पूरा हुआ। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।